हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। आज अपने स्टार्ट करने वाले विकास का क्लास 9 का सेकंड टेस्ट का जो असाइनमेंट है उस पर अपने बात करेंगे सेक्शन मैथ सब्जेक्ट में सेक्शन बी के चैप्टर नंबर 7 की। इसके पहले मैंने ऑलरेडी बाकी के जो चैप्टर्स है वो अपलोड करके यूट्यूब पर रख दिया है, अगर वो आपने नहीं देखा हो तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 सेक्शन बी का, करेक्ट। एंड स्टार्ट। सो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्वालेटरल ट्राइंगल्स आर 60 डिग्री ऑफ ईच, करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 बता दिया इन्होंने इस तरह का कि भी एक ट्राइंगल सबको गिवन है, ए बी सी इक्वालेटरल ट्राइंगल से, मतलब मान के चलो कि भाई इन ट्राइंगल ए बी सी इक्वालेटरल ट्राइंगल्स है। सो दैट द एंगल्स ऑफ इक्वालेटरल्स आर 60 डिग्री, मतलब इक्वालेटरल ट्राइंगल दे दिया है। इसका मतलब ये मान के चले कि भाई ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी, ये आपको गिवन है। ओके, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी ए बी इज इक्वल टू ए सी आइसोसेलस ट्राइंगल से मान सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू अगर ए सी होता है तो एंगल बी और एंगल सी आपके क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएगी। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। सेम यहां पे लिखो ए बी इज इक्वल टू बी सी, करेक्ट। ए बी इज इक्वल टू बी सी, तो यहां पे आप क्या लिखोगे, ए बी इज इक्वल टू बी सी, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। डन, यहां तक का कोई डाउट्स? ओके, सो दैट इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 पे से क्या लिखोगे कि भाई एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी तो आपके पास है बट एंगल सी भी आपके पास है, मतलब तीनों तीन कैसे हो गए, इक्वल हो गए। तो एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करो, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। सो तीनों एंगल सेम है तो लिख सकता हूँ 3 एंगल ए इज इक्वल टू 180। सो देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 3, तो एंगल ए आपको कितने का मिलेगा, 60 का मिलेगा। मीन्स इसके अलावा बाकी के जो एंगल बी और एंगल सी भी आपके कैसे हो जाएंगे, 60 के हो जाएंगे। डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड। ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल्स इन विच एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए बी इज इक्वल टू ए सी, फाइंड द एंगल बी एंड सी, करेक्ट। देखो यहाँ पे क्या बता दिया गया है कि एंगल जो आपका ए है, ये वाला एंगल है एंगल ए, वो राइट एंगल है, ये आपका बी बनेगा, ये आपका सी बनेगा। ओके, इन ट्राइंगल ए बी सी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसके लिए ये भी बता दिया ए बी इज इक्वल टू ए सी आपको गिवन है, करेक्ट, मतलब इक्वल है। अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी है सो दैट ये लिख सकते हैं कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी आइसोसेलस ट्राइंगल्स, करेक्ट। एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करो यहाँ पे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। एंगल ए तो आपको 90 है और दोनों एंगल आपके बी बन जाएंगे क्योंकि दोनों एंगल सेम है, सो 180 सामने ले जाओ तो 2 एंगल बी इज इक्वल टू 180 माइनस 90, सो देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाय 2, तो एंगल बी आपको कितने का मिलेगा, 45, मतलब एंगल बी 45 मिलेगा इज इक्वल टू एंगल सी। डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 रीड। क्वेश्चन फर्स्ट, ए बी सी इज एन आइसोसेलस ट्राइंगल्स विथ ए बी इज इक्वल टू ए सी, ड्रो ए पी परपेंडिकुलर ऑन बी सी टू सो दैट करना एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। ओके, लेट्स स्टार्ट। इस टाइप का एक ट्राइंगल्स आपको गिवन दिया गया है, ए बी एंड सी, ए पी परपेंडिकुलर बी सी, राइट, ए पी परपेंडिकुलर बी सी, ये आपको गिवन है। आपको बताना है कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी आपको प्रूव करना है। डन। बट ये गिवन है कि भाई ए बी इतना ही आपका ए सी है, राइट। इन ट्राइंगल ए बी सी ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है एंड ए पी परपेंडिकुलर बी सी ये भी आपको गिवन है। अभी यहाँ पे क्या करो, आप दो ट्राइंगल चूज करो, ए पी बी और ए पी सी। इन ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल ए पी सी,
तो यहाँ पे क्या आएगा, तो देखो एंगल क्या आएगा यहाँ पे आपका, एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए पी सी कितने का बनेगा, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का बनेगा, डन। सेकंड थिंग्स की बात करेंगे, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये तो आपको गिवन है। और थर्ड थिंग्स की बात करेंगे, ए पी इज इक्वल टू ए पी, जो आपके लिए यहाँ पे क्या है, कॉमन है। चलिए तीनों चीज़ें क्लियर हुई आपकी। सो यहाँ से आप लिख सकते हो कि ट्राइंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स ए पी सी। बाई सिंपलिसिटी से आप क्या लिख सकते हो, बाई सिंपलिसिटी से आप लिख सकते हो कि भाई अगर ये दोनों ट्राइंगल इक्वल है तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स भी आपके क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, इज दैट क्लियर? ओके, हैव एनी डाउट्स? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 4। रीड करो फर्स्ट क्वेश्चंस नंबर 4। ए बी इन अ लाइन सेगमेंट लाइन एल इज इट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इफ अ पॉइंट पी लाइज ऑन द एल सो दैट पी इज अ इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द ए एंड बी। ए एंड बी से क्या इक्विडिस्टेंस है, चलो मान के चलते हैं यहाँ पे ये आपका इस तरह का गिवन है। यहाँ पे आप मान के चलो ये ए है और ये आपका बी है एंड ये आपका यहाँ पे पी है और ये आपका सी है और ये आपकी लाइन एल है, राइट। मान के चलो कि एल परपेंडिकुलर ए बी तो आपको गिवन है ही, सी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, सी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो ऐसा हो सकता है अगर सी अगर मिड पॉइंट है किसका, ए बी का, तो यहाँ पे क्या होगा, पी ए इज इक्वल टू पी बी तो आपको प्रूव करना है, बराबर। ये आपको प्रूव करना है, पी ए जितना होगा उतना ही आपका पी बी होगा। बट अगर ऐसा है तो ये ए सी इज इक्वल टू बी सी हो जाएगा क्योंकि मिड पॉइंट के अकॉर्डिंग। अभी क्या करो, दो ट्राइंगल चूज करो, इन ट्राइंगल पी सी एंड ट्राइंगल पी सी बी। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा, ए सी इज इक्वल टू बी सी, ये क्यों लिखा, ए सी इज इक्वल टू बी सी तो मिड पॉइंट। नेक्स्ट बात करेंगे, पी सी इज इक्वल टू पी सी, ये क्या हो जाएगा आपका, कॉमन हो जाएगा, कॉमन साइड है। नेक्स्ट क्या चूज करेंगे कि भाई एंगल पी सी ए इज इक्वल टू एंगल पी सी बी 90 डिग्री, सो दैट क्या बन रहा है यहाँ पे, कौन सा क्राइटेरिया प्रूव कर रहा है, तो यहाँ पे ये कौन सा क्राइटेरिया प्रूव कर रहा है, साइड एंगल साइड, एसएस क्राइटेरिया मे बी आर द प्रूफ सो दैट ट्राइंगल पी सी ए इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पी सी एंड बी, सो दैट बाय सिंपलिसिटी से अपने क्या प्रूव कर सकते हैं कि भाई पी ए इज इक्वल टू पी बी, के बाकी करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल आपके क्या हो जाएंगे, सिंपलिसिटी थ्रू इक्वल हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। इस तरह का एक डायग्राम दे दिया गया है, रीड कर लो क्वेश्चंस को। इन क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी ए सी इज इक्वल टू ए डी एंड ए बी बाइसेक्ट एंगल ए, सी दैट सो दैट ट्राइंगल ए बी सी इज अ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए बी डी एंड व्हाट इज द से अबाउट द बी सी, बी सी क्या बनेगा। देखो इस तरह का गिवन है, एक लाइन यहाँ पे दे दी गई है, लिखेंगे यहाँ पे ए बी ए सी बी एंड डी। ओके, ए सी इज इक्वल टू सी ऊपर लिखा है, इन्होंने डी नीचे लिखा है, ए सी बी एंड डी, ए सी एंड ए डी दोनों इक्वल है, राइट। तो यहाँ पे अपने क्या करेंगे, दो ट्राइंगल चूज करेंगे, अब ये वाला और ये वाला, तो इन ट्राइंगल ए सी बी एंड ट्राइंगल ए बी एंड डी, दो ट्राइंगल ले लिए। ओके, सबसे पहले क्या आएगा, ए सी इज इक्वल टू ए डी गिवन, राइट। एंगल सी ए बी इज इक्वल टू एंगल बी ए डी,
बाइसेक्टर उन्होंने बता ही दिया कि बाइसेक्ट कर रहा है, ओके बाइसेक्ट मतलब ये भी एंगल आपका गिवन है। इसके अलावा ए बी इज इक्वल टू ए बी जो है आपका कॉमन, राइट। अगर ये तीन चीजें क्लियर है तो लिखो कौन से क्राइटेरिया, एस एस क्राइटेरिया, साइड साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से प्रूव हो रहा है ट्राइंगल ए सी बी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए बी एंड डी, डन। अगर ये इक्वल है सो बाय सिंपलिसिटी, बाय सिंपलिसिटी से क्या होगा कि भाई ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू, यही प्रूव करना था ना, सो दैट ये प्रूव हो गया बाय सिंपलिसिटी। इसके बाद और इक्वेशन पे बी सी एंड बी डी क्या होगा, बाय सिंपलिसिटी बी सी इज इक्वल टू बी डी प्रूव यही करना था, तीनों साइड प्रूव, इसलिए ये इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, इन ट्राइंगल ए बी सी ए बी इज इक्वल टू ए सी एंगल ए इज इक्वल टू 50 देन फाइंड द एंगल बी एंड सी। अगेन टाइम ड्रॉ करो यहाँ पे फिर से ट्राइंगल्स, ए बी सी गिवन है ए बी इज इक्वल टू ए सी, मतलब जितना एंगल बी बनेगा उतना ही एंगल आपका सी बनेगा, राइट। ए बी इज इक्वल टू ए सी सो देयर फॉर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, सो एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करो, एंगल ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180, ए गिवन है आपको 50, 50 प्लस एंगल बी प्लस एंगल बी, क्योंकि सी की जगह पे बी लिख सकते हैं ना, पहले आपने इक्वल बता दिया है, तो 2 एंगल बी इज इक्वल टू 180 माइनस 50 देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू 130 डिवाइडेड बाय 2 नीचे आ जाएगा, तो एंगल बी आपको कितने का मिलेगा 65, तो एंगल बी 65 इज इक्वल टू एंगल सी, क्योंकि दोनों एंगल कैसे थे आपके इक्वल थे, दैट क्लियर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, रीड क्वेश्चन फर्स्ट। इन ट्राइंगल पी क्यू आर पी क्यू इज इक्वल टू पी आर पी इज इक्वल टू एक्स प्लस 10 एंड क्यू इज इक्वल टू आर एक्स माइनस 5 देन फाइंड द ईच ऑफ द एंगल ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, राइट। क्वेश्चन रीड कर लिया है, ओके ट्राइंगल ड्रॉ करो पी क्यू आर, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर गिवन है, डायरेक्टली एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई कर लो, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर लिख देते हैं यहाँ पे, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर है तो एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल आर, करेक्ट। तो एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180, पी की वैल्यू गिवन है x प्लस 10, क्यू की वैल्यू भी गिवन है 4x माइनस 5। देखो यार q और r दोनों सेम है, मतलब जो वैल्यू q की होगी वही वैल्यू आपको r की मिलेगी, राइट ओके। देखो 10 माइनस 5 माइनस 5 ये दोनों भी निकल जाएंगे, तो 4x प्लस 4x और 1x 9x इज इक्वल टू 180, तो x इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 9 कितना मिलेगा आपको 20। अगर x 20 मिला है तो एंगल P क्या था आपके पास x प्लस 10, तो 20 प्लस 10 इज इक्वल टू 30, एंगल Q इज इक्वल टू 4x माइनस 5, 4 इंटू 20 माइनस 5 80 माइनस 5 कितना मिलेगा आपको 75, मतलब एंगल Q 75 तो एंगल R भी आपको कितने का मिलेगा 75 का मिलेगा, डन ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, रीड स्टेट द ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल्स। देखो यहाँ पे इतना ही बताया, कॉन्ग्रुएंस रूल आपको फॉलो करना है, तो देखते हैं किस तरह फॉलो करेंगे अपने। ए ए एस एंगल एंगल साइड से बताना है कि जो ट्राइंगल्स है वो कॉन्ग्रुएंस है, मान के चलो ये ट्राइंगल है ए बी सी, दूसरा ये ट्राइंगल्स है, लिखो यहाँ पे डी ई एंड एफ, करेक्ट। ए ए एस मतलब ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये एंगल और ये साइड और ये साइड, ओके ये प्रूव करना है, करेक्ट। दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो दो ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, करेक्ट। दो ट्राइंगल ले लिया आपने, ओके फर्स्ट यहाँ पर लिखो एंगल ए बी सी, या तो फिर डायरेक्ट लिख दो एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, एंगल C इज इक्वल टू एंगल F एंड
AB AC is equal to DF. So AAS criteria पे प्रूव हो रहा है एंगल एंगल साइड. सो ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल डी ई एफ, राइट. इतना ही प्रूव करना था, करेक्ट. मैंने इस फॉर्म में फॉर्म प्रूव किया है, आप अपने फॉर्म में भी इसको प्रूव करके बता सकते हो. डन. ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9. रीड क्वेश्चंस. डायग्राम इज गिवन है. AD and BC are the equal perpendicular to a line segment AB and given figure so that CD bisect AB. Done. Okay. देखो, first of you, इस तरह का कोई एक डायग्राम आपको गिवन है. डायग्राम अच्छे से ड्रॉ कर लो. राइट, यहाँ पे लिखो आप A and this B. ये होगा आपका C, ये होगा आपका D, O, राइट. ओके, दो ट्राइंगल बन रहे O A B, O A D और O B C. तो दो ट्राइंगल ले लो O A D एंड ट्राइंगल O B C. इसमें क्या आएगा, एंगल B इज इक्वल टू एंगल A 90 डिग्री. पहला पॉइंट क्लियर. सेकंड, एंगल D इज इक्वल टू एंगल C. क्यों एंगल D इज इक्वल टू एंगल C होगा, क्योंकि यार वर्टिकल ऑपोजिट एंगल बन रहे, राइट. ओके, ये भी क्लियर हुआ. एंड दोनों के बीच में एक कॉमन साइड बन रही है. कौन सी बन रही है? एडी इज इक्वल टू बी सी. एडी इज इक्वल टू बी सी जो अपने को गिवन है, गिवन है. चलो, ये तीनों चीजें अगर क्लियर हो रही है तो कौन सा प्रूव हो रहा है? यार देखो, एंगल बी, एंगल डी, बी सी एंड ए, मतलब एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया आपका प्रूव हो रहा है. ए एस ए क्राइटेरिया आपका प्रूव हो रहा है. तो ट्राइंगल ओ ए डी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ओ बी सी, करेक्ट. सो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी हो जाएगा. तो मान के चलो, अगर ओ ए इज इक्वल टू ओ बी है, सो सी डी बाइसेक्ट ए बी. डन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 10. रीड क्वेश्चन फर्स्ट. इन द गिवन फिगर ए बी एंड सी डी बाइसेक्ट ईच अदर एट ओ, प्रूव दैट ए सी इज इक्वल टू बी डी, राइट. ए सी और बी डी आपको प्रूव करना है. डन. चलो, फर्स्ट ऑफ यू डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. इस तरह का आपको डायग्राम दिया था, ए B, O, C एंड D. ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, गिवन है. ओके, O is a मिड पॉइंट ऑफ, किसके किसके मिड पॉइंट है? ए बी एंड सी डी का मिड पॉइंट है. ओके, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी. नेक्स्ट, ओ सी इज इक्वल टू ओ डी. फिर से यहाँ पे देखो, अगर ऐसा कोई बन रहा है तो आपको दो ट्राइंगल चूज करने हैं. इन ट्राइंगल ओ ए सी एंड ट्राइंगल ओ बी डी. लिखो इसके अंदर क्या लिखेंगे अपने. ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, गिवन. नेक्स्ट लिखेंगे, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, गिवन है. नेक्स्ट, ओ सी इज इक्वल टू ओ डी इज ऑल्सो गिवन. एंड नेक्स्ट लास्ट क्या लिखेंगे, एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी, वर्टिकल ओपोजिट एंगल, करेक्ट. सो दैट अगर ये कौन सा क्राइटेरिया प्रूव कर रहा है, साइड एंगल साइड एस ए एस क्राइटेरिया प्रूव हो रहा है, तो ट्राइंगल्स ए ओ सी इज अ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बी ओ डी, बी ओ डी. एंड अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रियंस है, तो मान के चलते हैं कि भी ए सी इज इक्वल टू बाय सी पी सी टी, ए सी इज इक्वल टू बी डी. क्वेश्चन नंबर 11, रीड करो क्वेश्चंस. इन ट्राइंगल ए बी सी द बाइसेक्टर ए डी ऑफ एंगल ए इज परपेंडिकुलर टू साइड बी सी सो दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलस ट्राइंगल्स,
करेक्ट, लेट्स स्टार्ट. देन गिवन द डायग्राम्स, इस तरह का दिया गया है ए बी सी, यहाँ पे आपका एक डी, करेक्ट, बाइसेक्ट कर रहा है. क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी ए डी बाइसेक्ट एंगल ए. ओके, तो इन ट्राइंगल ए ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी निकालते, इसमें कौन सा कॉमन है. तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए गिवन है कि बाइसेक्ट कर रहा है ना, तो दोनों एंगल सेम हो गए. एंगल डी इज इक्वल टू एंगल डी, तो ये साइड और ये साइड 90 डिग्री के बना रहे हैं. इसके अलावा दोनों के अंदर एक चीज कॉमन है, ए डी इज इक्वल टू ए डी कॉमन साइड, राइट. तो कौन सा क्राइटेरिया यहाँ पे प्रूव कर रहा है, ए एस ए क्राइटेरिया आपका यहाँ पे प्रूव कर रहा है. तो ट्राइंगल बी ए डी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी ए डी बाय सिंपलिसिटी. बाय सिंपलिसिटी से क्या लिखेंगे, ए बी इज इक्वल टू ए सी, राइट. ओके, नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस द क्वेश्चंस. इन रेक्टेंगल ए बी सी डी, ई इज अ मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी, प्रूव दैट ए इज इक्वल टू डी ई. देखो इस तरह का डायग्राम इसका में भी बनेगा, रेक्टेंगल बोला गया तो रेक्टेंगल पहले ड्रॉ कर लेते हैं. करेक्ट, ए बी सी एंड डी, ये आपका मिड पॉइंट होगा ई, करेक्ट. अभी हमें दो ट्राइंगल चूज करेंगे, इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल सी डी ई, दो हो गए. ओके, फर्स्ट ऑफ ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी, दोनों कैसे हो गए, इक्वल हो गए क्योंकि रेक्टेंगल है. इसके अलावा बी ई इज इक्वल टू सी ई, मिड पॉइंट तो दे ही दिया अपने को कि मिड पॉइंट को टच कर रहा है, मतलब ये कॉमन हो गया. थर्ड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, दोनों राइट एंगल है 90 डिग्री के, करेक्ट. अगर दोनों 90 डिग्री के बन रहे, राइट, आपने क्या प्रूव किया, एक ही एंगल ये साइड और ये साइड, एस ए एस क्राइटेरिया आपका प्रूव हो रहा है. तो ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी डी एंड ई, क्लियर यहाँ तक का. सो दैट अगर कॉन्ग्रुएंट है तो बाय सिंपलिसिटी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आपके क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, ए इज इक्वल टू ए ई इज इक्वल टू डी ई. ओके डन. ओके, तो सेक्शन बी का चैप्टर 7 यहाँ पे फिनिश होता है. अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपको यहाँ पे सारे सब्जेक्ट के सॉल्यूशन मिल जाएंगे. बाकी का स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में.